अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट राना उमर अब्बास। और आज की न्यू अपडेट वीडियो के बनाने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो इस टाइम मैं मौजूद हूं गुलाम दस्तगीर पार्क बहरिया टाउन कराची प्रीसेंट 2, जो कि 200 स्क्वायर यार्ड के विलाज पर मुश्तमिल है। तो आज का मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का टॉपिक यही है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं तो उनको मैं कुछ अच्छा मशवरा दे सकूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले तकरीबन एक साल से जो मार्केट की सिचुएशन है प्लॉट के हवाले से, तो वो तकरीबन बिल्कुल डाउन जाती जा रही है। और जो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं उनके प्लॉट्स भी थे वो सेल आउट करना चाह रहे थे। अभी जैसा कि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता चलूँ कि मतलब एक मैंने अपने क्लाइंट को तकरीबन चांस की डील का प्लॉट लेके दिया लास्ट ईयर, तकरीबन हमें पड़ा है 80-82 लाख में। और बट अभी अगर उसको सेल करना चाह रहे हैं तो 65 से ऊपर नहीं वो जा रहा। तो ओवरऑल जो बहरिया टाउन के प्लाट्स हैं, जितने भी प्रीसेंट्स के प्लाट हैं, उनका यही हाल चल रहा है। तो रिसेंटली बहरिया टाउन कराची ने ये 29th और 30, ये इन्होंने न्यू डील लॉन्च की है प्रीसेंट 4 और 7 की बैक पे। प्रीसेंट 4A और 7A के नाम से इन्होंने प्रीसेंट का नाम दिया है और 500 और 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। तो जो कि बिल्कुल किसी तरफ से उस न्यू डील का कोई रिस्पांस नहीं आया। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि जो ऑलरेडी लोगों के पास प्लॉट्स हैं वो सेल आउट नहीं हो रहे। प्रॉफिट में क्या, तकरीबन अच्छे खासे लॉस में वो सेल हो रहे हैं प्लॉट्स। तो इसलिए जो लोग हैं वो न्यू डील का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हालांकि अभी मैक्सिमम 1 वीक हुआ है न्यू डील लॉन्च हुए को, 500 और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। तो वो इस टाइम मार्केट में जो 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 5 से 7 लाख माइनस में जा भी चुके हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि अभी देखें कि ओवरऑल जो पूरी मार्केट की सिचुएशन है कि प्लॉट्स की जो डिमांड है वो बिल्कुल है ही नहीं। तो इस वजह से मेरा वीडियो बनाने का आज का मकसद है कि आप प्लॉटों से निकलें और दूसरी तरफ आएँ। अगर आप और वेट करेंगे तो मार्केट का कोई अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट कितनी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर आपने प्लॉट लेके, अगर आप एंड यूज़र नहीं हैं, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से प्लॉट लेके होल्ड किया हुआ है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं प्लॉट होल्ड करने का, क्योंकि दिन ब दिन जो है प्लॉट की वैल्यू कम होती जा रही है, ना कि बढ़ती जा रही है। तो अभी मैं अपने व्यूअर्स को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि मतलब हमारे जो CEO हैं राणा नाम दस्तर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, तो उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफ़र दी है हमें कि मतलब अगर आपके कोई भी क्लाइंट्स हैं, उनका कोई भी प्रॉपर्टी है बहरिया टाउन कराची में या कराची सिटी में भी, मतलब जो हमें नज़दीक है जहाँ तक हमारी असेसमेंट हो सकती है, तो आप वो प्रॉपर्टी लेके आएँ तो हम उनको एडजस्ट करेंगे। और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स जो हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, तो उनको उनकी मनपसंद चीज़ दे देंगे। अभी जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई 50 या 60 लाख का प्लॉट है बहरिया टाउन कराची में और आप हमसे कोई 80 या 90 लाख का कोई ऑफिस लेना चाह रहे हैं या कोई शॉप लेना चाह रहे हैं कमर्शल की, कुछ भी लेना चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल रेडी हैं। हम मतलब आपका प्लॉट उसी कीमत में, जो मार्केट में वैल्यू है उसी कीमत में हम आपका प्लॉट रखेंगे। बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो एज़ ए इंस्टॉलमेंट या कैश, जैसे भी फिजिबिलिटी बनेगी, वो बना के इंशाल्लाह आपको हम मतलब वो चीज़ कमर्शियल शॉप है या ऑफिस है वो भी दे देंगे। अभी जैसा कि रिसेंटली हमारे पास 2 ऑफिस आए हैं, एक अब्दुल समद बिज़नेस सेंटर का 12th फ्लोर का मेन जना एवेन्यू पे, बिल्कुल मेन जना फेसिंग है, वेस्ट ओपन है सॉरी वो, और जो दूसरा है एम्पायर बिज़नेस सेंटर का 10th फ्लोर पे जो ऑफिस है वो मतलब मेन जना फेसिंग है। तो बड़े अच्छे ऑफिस हैं दोनों, बिल्कुल रेडी हैं, ब्रांड न्यू हैं, आप आज लेके कल को मतलब उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो अभी मतलब अगर आपकी कोई भी डेड प्रॉपर्टी जिसको आप समझ रहे हैं कि आप 1 से 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया आपने होल्ड की हुई है बट आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो ये आपके पास चांस है। आप अपनी कोई भी डेड प्रॉपर्टी जिसको आप समझते हैं आप हमारे पास लेके आएँ, हम उसको एडजस्ट करके आपको फ्रेश और कमर्शियल प्रॉपर्टी देने के लिए रेडी हैं। तो बाकी मज़ीद मालूमात के लिए या एडजस्टमेंट के मतलब
आइडियाज़ के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे साथ रابطہ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे जाना चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।